गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 22 एंड जो है कार्ल मार्क्स मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी है। दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IAS। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट्स का जो डाउट है, भी सर ये क्या ये कोर्स सफिशिएंट है यूपीएससी के लिए? भी सर यूपीएससी का जो मेंस का है ये कोर्स सफिशिएंट है? तो मैं स्टूडेंट्स बार बार आपको कह रहा हूँ, ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि मैंने आपको कहा नितिन सांगवान की बुक आप कीजिए, प्लस मेरी पीडीएफ आप कर लीजिए। अगर हॉर नंबर्स आपने पढ़ ली तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी तो भी आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख सकते हो इन दोनों के बेसिस पे। बस साथ में क्या है भी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर फिर भी आपके मतलब 50,000 पे लगाने की वो है भी, मतलब 50,000 पे लगाने की फिर भी कईयों को होती है, जिद होती है, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये मेरा कोर्स बनाने का मेन मोटिव ही यही था भी स्टूडेंट्स को फॉर्मल कोचिंग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि नहीं तो ऑलरेडी जहाँ पे 8-8 मिनट की वीडियोस ऑलरेडी सभी टॉपिक्स पे पड़ी हैं, बट वो मोर देन वो सफिशेंट नहीं थी, क्योंकि उसमें सिर्फ डेफिनेशन है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो अभी आपने देखा होगा मैं किसी किसी टॉपिक के एक एक घंटा पढ़ा देता हूँ, तो उसका रीजन यही है ताकि वो आपको एक यूपीएससी लेवल का मैं कंटेंट दे सकूं। तो स्टूडेंट्स आप इसमें कोई डाउट मत रखिए, या आप अगर इसको अच्छे से लेक्चर सुनोगे और अच्छे से बुक पढ़ोगे नितिन सांगवान को, तो आप बहुत अच्छे क्वालिटी आंसर लिख सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज का जो है हमने ऑलरेडी कार्ल मार्क्स के जो कंसेप्ट हैं डायलेक्टिक्स देख चुके हैं, हेगल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, हेगल्स मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो टॉपिक्स कर चुके हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कर रखे हैं, आज आप मोड्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। तो उसने बताया था भी चार तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमीज, पेस्टोरल इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमी। ल्यूस मॉर्गन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताए, फिशिंग इकोनॉमी, पेस्टोरलिज्म, एग्रेरियन मोड ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रेड से मॉडर्न मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो कार्ल मार्क्स ने इन दोनों से इंस्पिरेशन लेकर अपनी मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी दी। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है, वी मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफाइन करते हैं सोशल रिलेशंस, जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसी सोशल रिलेशन होगी। अगर प्रिमिटिव कम्युनिज्म है तो मोड ऑफ सोशल रिलेशन क्या होंगे, क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी अगर प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। अगर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो है एंशियंट सोसाइटी, तो सोशल रिलेशन क्या है, ऑनर्स एंड स्लेव्स। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन फ्यूडलिज्म है तो जो रिलेशन होंगे, लॉर्ड्स एंड सर्व, फ्यूडल लॉर्ड्स। अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका जहां पे कैपिटलिज्म है तो जहां पे क्या होगा, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरियन। तो मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है सोशल रिलेशन क्या होंगे, क्योंकि वो बार बार मैंने आपको बताया है भी जहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जो इकोनॉमिक बेस है आपका ये है बेस, और जो ऊपर रिलेशन है जो भी है वो क्या है, सुपरस्ट्रक्चर। तो ये दो क्या करती है, इसको मेंटेन करता है, और ये क्या करता है, शेप करता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करता है सोशल रिलेशन सोसाइटी में कैसे। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हंटिंग गैदरिंग है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, परमिटिव कम्युनिज्म। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्लेव्स हैं तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, स्लेव सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फ्यूडलिज्म। अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म। तो यूज ऑफ लेबर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और उसी से इमर्जेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशन दैट डिफाइंस डोमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन। तो डोमिनेशन और सबॉर्डिनेशन बताते हैं, जैसे कि एंशियंट सोसाइटी में डोमिनेट कौन करते थे, ऑनर्स, एंड सबॉर्डिनेट कौन थे, स्लेव्स। फ्यूडल सोसाइटी में डोमिनेट कौन करते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, एंड सबॉर्डिनेट कौन थे, आपके
सर्व जो कि खेतों में काम करते थे पीजेंट थे। डोमिनेशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बुर्जुआस एंड सबऑर्डिनेट कौन थे? प्रोलेटेरियंस। द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड बाय द मींस ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ लेबर इंपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एमरजेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशन दैट डिफाइन डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। हाउ वन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन टू अनदर मोड ऑफ प्रोडक्शन? तो चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द प्रोडक्शन रिलेशनशिप, सोशल चेंज इन सोसाइटी, सुपर स्ट्रक्चरल चेंजेस। पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, फिर हमने देखा है भी कैसे जो पांच तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शन है, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी। ये मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये हम आगे देखते हैं, मतलब ये क्या है फ्यूडल सोसाइटी एक्सेट्रा। मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक सिंपल डेफिनेशन है भी किस मोड से यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। फिर यहाँ पे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन प्रोडक्शन रिलेशनशिप, और इनसे क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, तो सोशल चेंज इन सोसाइटी। तो ये सब क्या है पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम। प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम वाज द फर्स्ट एंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड इट्स एग्जिस्टेड फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब हजारों सालों से है प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम। सिंपल कौन सा था? ये हंटिंग गैदरिंग जो करते थे लोग, हंटिंग गैदरिंग जो करते थे। और ये प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम आज भी हम आपके कहाँ पे देख सकते हो? अंडमान निकोबार में, इंडिया में। और काफी ट्राइब्स हैं जो आज भी इस मोड ऑफ प्रोडक्शन से रहती हैं। प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम, द प्रिमिटिव कम्युनल सिस्टम वाज द फर्स्ट एंड लोएस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल एंड इट एग्जिस्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इन दिस सिस्टम वेरी लो लेवल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वर बेस्ड ऑन कॉमन ऑनरशिप। मतलब कॉमन ऑनरशिप, ऐसा नहीं है भी उसको कहेंगे भी ये तेरा पेड़ है या मेरा पेड़ है तो इस पेड़ से फल नहीं तोड़ सकता, ऐसे नहीं था। कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस सिचुएशन एक्सप्लोटेशन ऑफ ह्यूमंस बाय ह्यूमन डिड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस। जहां पे कोई एक्सप्लोटेशन नहीं थी, फर्स्टली द टूल्स यूज मेनली मींस ऑफ प्रोडक्शन वर सो सिंपल दैट दे कुड बी रिप्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। मतलब जो मींस ऑफ प्रोडक्शन थे, जो टूल्स थे, क्या थे? वो स्टोन को शार्प करके वो टूल्स ही बनाने थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखोगे तो फैक्ट्री लगानी है या कुछ भी करना है वो सिंपल नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल है तभी आप लगा सकते हैं, और उसी के कारण क्या हो रही है? एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो मतलब जहां पे जो मार्क्स की थ्योरी जहां से स्टार्ट हुई थी, मार्क्स कहता जहां पे नेचर जो थी वो, मतलब नेचर ने उसकी च्वाइस को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, जो नेचुरल च्वाइसेस को, क्योंकि इतना ज्यादा था तब जो ह्यूमन बींग ने लेबर करनी शुरू की, लेकिन वो सोशली रिस्ट्रिक्टेड हो गया। जब वो नेचर से तो बच गया लेकिन सोशली रिस्ट्रिक्ट हो गया, सोशली वो क्या हो गया? बाइंड हो गया। जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड में या ऑनर स्लेव्स, जो जो भी जिस है, तो यही उसकी मोड ऑफ प्रोडक्शन की क्या है? एक स्टोरी है। दीज वर इम्प्लीमेंट्स लाइक स्पीयर, स्टिक, बो एंड एरो, हेंस नो पर्सनल ग्रुप ऑफ पीपल हैज द मोनोपोली ऑफ द ऑनरशिप ओवर द टूल। सेकेंडली, प्रोडक्शन वाज एट लो स्केल, द पीपल एग्जिस्ट मोर और लेस देन एन सबसिस्टेंस लेवल। जो खाया वही वही, जो जो मतलब इकट्ठा किया वही खा लिया। सिंपल सिस्टम था, क्लासलेस सोसाइटी थी। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? मार्शल शालिन्स जो एक तरह कह रहे हैं भी जहां पे क्या था, जो डोमेस्टिक यूनिट थी, डोमेस्टिक यूनिट जो भी एक फैमिली होगी, क्लैन होगा, वो डिसाइड करता था भी क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना। तो इक्वालिटी क्या थी? एक तरह की मिथ है जहां पे परमिटिव कम्युनिज्म। जबकि जो कार्ल मार्क्स कह रहा था कि प्रिमिटिव सोसाइटी में एक क्लासलेस सोसाइटी है, एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म है। मार्कल मॉस, द गिफ्ट बुक, मार्कल मॉस की एक हमने थ्योरी पढ़ी थी जब इमाइल ड्रकहाइम की सोशल फैक्ट थ्योरी की थी हमने। सोशल फैक्ट थ्योरी में हमने जो मार्कल मॉस का देखा था, द नेफ्यू ऑफ इमाइल ड्रकहाइम है, टोटल फैक्ट्स। तो आई होप आपको वो ध्यान होगा। तो टोटल फैक्ट्स, तो जहां पे हमने देखा मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू कल्चर, मतलब ड्यू टू कल्चर जहां पे मल्टीपल मोड्स ऑफ एक्सचेंज है जो डिसाइड करते हैं डोमिनेशन सबऑर्डिनेशन। लाइक वहां पे अगर ट्राइब होगी तो ट्राइबल चीफ को कुछ भी आप गिफ्ट दे रहे हो, तो मतलब वो कल्चर था। और वो जो था मार्क्स ने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया मार्क्स ने। विलियम वाइजर, उसने कहा जो जजमानी रिलेशनशिप था इंडियन सोसाइटी में, वहां क्या पे क्या था? असिमेट्रिक रिलेशनशिप था, भी एक्सप्लोटेशन होती थी, जो कि एक तरह का, क्योंकि जहां पे कार्ल मार्क्स क्या कह रहा था
भी जहाँ पे इंडिया में क्या था, एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है उस पर मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा, 10 या 15 मिनट का जो भी लेक्चर होगा, एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें क्या था भी, वो जहाँ पे मतलब वो नहीं थी, इक्वालिटी है, लेकिन जहाँ पे विलियम बाजी ने क्या था, जजमानी रिलेशनशिप, असमित्रिक रिलेशनशिप थे जहाँ पे एक्सप्लोटेशन। तो एक तरह का जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म को भी था, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रिमिटिव कम्युनिज्म जैसी ही सोसाइटी है जहाँ पे, जैसे कि हमारे जहाँ पे वैदिक जो कल्चर था, ऋग्वेदिक कल्चर, तो वहां पे क्या था, हंटिंग गैदरिंग था एक तरह का, क्योंकि वहां पे सेटल्ड इकोनॉमी, अभी जो एग्रीकल्चर थी वो लेटर वैदिक पीरियड में आई थी, लेकिन उस टाइम जजमानी रिलेशनशिप था जो कि असमित्रिक रिलेशनशिप था। अब इगलटेरियन सोसाइटी जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म थे वो एंशियंट सोसाइटी में कैसे गई, अब देखिए लैंड लिमिटेड थी, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, तो लैंड पे अभी कैप्चर करने के लिए क्या होता है, आज के टाइम भी देखा होगा भी लैंड के लिए ना वॉर होने लग जाते हैं, एक एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अटैक करते हैं, तो उसी टाइम भी यही हुआ, इंटर ट्राइबल वॉरफेयर शुरू हो गए, क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई तो लैंड का, क्योंकि एरिया कम होता था तो सभी को था भी लैंड मैक्सिमम कंट्रोल कर सके ताकि खाने पीने का हमारे पास आराम रहे, तो लैंड के लिए लड़ाई पहले भी होती थी और लैंड के लिए लड़ाई आज भी हो रही है। जब चाइना गलवान वैली पे, गलवान वैली में मतलब जो भी कुछ कर रहा है, गलवान वैली में हमारी लैंड इनक्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो गलवान वैली में जब घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो एक तरह का लैंड का इशू है। तो लैंड का इशू ये देखिए एंशियंट सोसाइटी में भी था और आज मॉडर्न टाइम्स में भी है। तो इंटर ट्राइबल वॉरफेयर हुए, तो जो विनर्स बने, जो विनर्स होते थे वो वॉरफेयर में वो मास्टर्स बने, और जो लूजर्स थे वो कौन थे, जो भी उस युद्ध में हारे वो कौन बने, स्लेव्स, क्योंकि उनको स्लेव कैप्चर कर लेते थे, ये हमने देखा है काफी मूवीज में ऐसे ही। और उसी तरह क्या हुआ, बिग ट्राइबल किंगडम जो हुए प्रोमिनेंस में आए, जैसे कि अवध, मिथिला, अयोध्या, एंड टारगेटेड बाय एनिमीज फॉर सेफ्टी, उन्होंने क्या किया, फोर्ट्स बनाने शुरू किए, मार्केट्स बनाने शुरू की, और लेड टू राइज ऑफ एंशियंट सोसाइटी। तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, प्रसिड फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन था, मास्टर हैज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ओवर द स्लेव एंड अप्रोप्रिएट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्लेव्स लेबर। तो स्लेव की जो लेबर थी उसी पे क्या था, वो पूरा अपना कंट्रोल रखता था। अभी आपने देखा होगा जो कॉलस्टोन के स्टैचू, एडवर्ड कॉलस्टोन के स्टैचू, और जहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्टैचू सारे अभी ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट हो रही है उसमें सारे जो गेर रहे हैं स्टैचू, उनको क्यों गेर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह का स्लेवरी को इन्होंने प्रमोट किया था। तो मास्टर हैज द राइट ऑफ ओनरशिप ओवर द स्लेव एंड एप्रोप्रिएट द प्रोडक्ट्स ऑफ स्लेव्स लेबर। द मास्टर्स प्रॉफिट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंस बिटवीन व्हाट द स्लेव्स प्रोड्यूस एंड व्हाट दे कंज्यूम। तो प्रॉफिट क्या था, जितना स्लेव ने लेबर की वो थोड़ा बहुत खाता था, बाकी सारा क्या किसके पास रहता था, मास्टर के पास रहता था। द पॉसिबिलिटी ऑफ अकुमुलेशन कम्स अबाउट थ्रू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लेव्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर एक स्लेव 100 रुपए का काम करता है और 10 रुपए उसको खुद कंज्यूम करता है तो 90 रुपीज का अगर है, तो अगर मल्टीपल स्लेव्स होंगे तो देखिए कितनी वेल्थ अकुमुलेट हो जाएगी। तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो कार्ल मार्क्स कहता था जन के कैपिटलिज्म में एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, स्लेवरी नहीं है, लेकिन जहां पे कार्ल मार्क्स का मैं क्रिटिसिज्म बताता हूं, जहां पे मल्टीपल फॉर्म ऑफ स्लेवरी है इन मॉडर्न टाइम, मल्टीपल ऑफ फॉर्म, बस मॉडर्न टाइम की स्लेवरी क्या है, जैसे कि जे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2018 है, इसने क्या बताया था भी, इंडिया में 8 मिलियन पीपल जो है वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं, 8 मिलियन पीपल, ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ये देखिए स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिस कौन कौन सी हैं, फोर्स्ड मैरिज और ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर जिसको बोलते हैं बिगार, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ लेबर, बंधुआ मजदूर। और बॉन्डेड लेबर के बारे में मैंने, अगर आपने देखा होगा, मैंने बात की थी पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जब इमाइल ड्रकिंग को किया था, तो जहां पे देखिए ये क्या बताना चाहता है, जो द इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, तो मैंने वहां से ये चीजें उठाई हैं, क्योंकि मैं जब भी ये कंटेंट बनाता हूँ ना, जब भी कोई स्लाइड बना के लेकर आता हूँ, लेक्चर बनाने के लिए लेकर आता हूँ, तो मैं मल्टीपल जगह से देखता हूँ कंटेंट, ताकि आपकी जो थोड़ी मेहनत मैं कम कर दूं, आप बस पढ़िए। मैं कई बार इग्नो से उठा रहा हूं कंटेंट, क्योंकि आपको ज्यादा जहां पे सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपके पास एक टॉपिक पे लिखने के लिए मैक्सिमम 500 वर्ड्स हो, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन है
तो इसमें आपको मैं काफी वर्ड्स दे दूंगा, तो आप वहां पे आपको सिर्फ 250 वर्ड्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना उस पे कुछ, उस पे ज्यादा आपको नहीं लिखना। तो ये देखिए द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से मैंने उठाया, तो देखिए मैनी कंट्री प्रेजेंट क्लियर इलस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, चाइना इंपोर्ट्स 1 बिलियन वर्थ ऑफ कोल ए ईयर फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, डग आउट बाई माइनर्स हु टॉयल बिकॉज एन इनहेरिटेड वर्कर स्टेटस रादर देन इट आउट ऑफ चॉइस, ए टेंथ ऑफ नॉर्थ कोरिया पॉपुलेशन प्रूव टू बी फोर्स्ड फॉर ए वर्कर ऑफ द स्टेट। तो अब ये बता रहा है जो ये चीजें हैं यूनाइटेड स्टेट जापान जर्मनी, तो ये कितने सामान का जो कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि एक तरह का स्लेवरी से है। तो जैसे कि अभी चाइना का बताया भाई, चाइना $1 बिलियन का जो नॉर्थ कोरिया से कोल वो करता है इंपोर्ट करता है वो किससे आता है, स्लेवरी से आता है। उसी तरह द कॉटन इंडस्ट्री इन सेंट्रल एशिया डिपेंड्स ऑन माइग्रेंट लेबरर्स, इन तुर्कमेनिस्तान टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल आर फोर्स टू पिक कॉटन टू फुलफिल द स्टेट प्रोडक्शन कोटा। तो कॉटन इंडस्ट्री में भी जहां पे मॉडर्न स्लेवरी, ऐसी तरह जो जहां पे एक इंडिया की एग्जांपल भी दिया है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, फॉरेन की मैगजीन है ये, तो उसने कहा जो इंडिया की ह्यूज ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है, तो द इकोनॉमिस्ट आप आंसर में लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट जो इंडिया की ह्यूज ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है उसमें कहां पे है, मतलब उसमें भी जो फैमिलीज हैं वो बॉन्डेड लेबर्स हैं। तो जो देखिए मतलब जो मार्क्स कह रहा था अभी एंशियंट टाइम में स्लेवरी है आज भी स्लेवरी है, तो ये एक मार्क्स का क्रिटिसिज्म। और जो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स इसके इसने कहा था भी 8 मिलियन पीपल जो इंडिया में है वो स्लेवरी में रह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी थी। तो एक बार प्लीज इस बार इस रिपोर्ट के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, जस्ट एज कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयड द वर्कर्स और प्रोलेटेरियन सो डिड द फ्यूडल लॉर्ड एक्सप्लॉयड देयर टेनेंट्स और सर्व्स। फ्यूडल रेंट वेदर इन फॉर्म ऑफ सर्विस और टैक्स वाज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये देखिए फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, किंग होता था, किंग को जो लॉर्ड्स ने थी वो लॉयल्टी दी हुई थी और किंग को उसके बदले में क्या हुआ था, लैंड वगैरह जो भी था वो प्रोटेक्शन दी थी और मिलिट्री एड देते थे, ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे। और फ्यूडल लॉर्ड्स के कहाँ पे आगे क्या कौन होते थे, नाइट्स होते थे, और नाइट्स के नीचे कौन होता था, ये पीजेंट्स होते थे और जिनकी लेबर को वो एक्सप्लॉयट करते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, फ्यूडलिज्म में जो सरप्लस आता था वो जो लग्जरी में यूज करते थे और कैपिटलिज्म में जो सरप्लस आता था वो क्या करते थे, मतलब ये खुद अपने आप के लिए रखते थे। कैपिटलिज्म में जो था वो प्रॉफिट मेकिंग करते थे, जैसे कि अभी जहां पे एंशियंट सोसाइटी में जब स्लेव्स एंड ऑनर्स में कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो जहां पे नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आएगा जिसको हम कहते हैं फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, जहां पे लैंडलॉर्ड्स एंड सर्व, और जहां पे इन टाइम आगे भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट फोर्स हैं, जो आएगा बोर्जुआ एंड प्रोलेटेरियन, और उनमें भी जब आएगी तब रेवोल्यूशन होगी प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। तो ये मार्क्स की थ्योरी का आइडिया था। तो जहां पे देखिए कैपिटलिज्म है तो ये आप पिरामिड बना सकते हो वहां पे फ्यूडलिज्म को दिखाने के लिए, क्योंकि डायग्राम्स के नंबर मिलते हैं। लेकिन फ्यूडलिज्म जो इंडिया में था, जो मार्क्स की थ्योरी थी, अब जो क्रिटिसिज्म है, जो फ्यूडलिज्म इंडिया में था वो ब्रिटिशर का इंट्रोड्यूस था, और जब फ्यूडलिज्म से फाइट की यूरोप में फ्यूडलिज्म से फाइट की तो क्या हुआ, उसका क्या था, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस था जिसका मीनिंग था राइज ऑफ कैपिटलिज्म। लेकिन इंडिया में जब फ्यूडलिज्म से फाइट की, क्योंकि इंडिया में फ्यूडलिज्म कैसे इंट्रोड्यूस किया था, जब ब्रिटिशर ने अपनी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, क्योंकि जहां पे हमारे पास क्या था, इंडिपेंडेंट विलेज रिपब्लिक था, कोई जहां पे एक्सप्लोटेशन नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर ने अपने जब ये जमींदारी सेटलमेंट पर जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट रियौतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, जहां पे क्या हुआ, ये फ्यूडलिज्म आया हमारे इंडिया में। और फ्यूडलिज्म से जब जब यूरोप में फ्यूडलिज्म से फाइट की तब क्या हुआ, तब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस था उसकी क्या थी, मतलब कैपिटलिज्म राइज हुआ। लेकिन जब फ्यूडलिज्म से इंडिया में फाइट हुई तो जहां पे जैसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, जो कि फ्यूडलिज्म से फाइट करने का एक सत्याग्रह था, एक वो था उनका मतलब एक फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट था चंपारण सत्याग्रह, तो जहां पे क्या था पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था, वी गॉट इंडिपेंडेंस। मॉडर्न टाइम में क्या है जो हमारी, आप देखिए जो इकोनॉमिक बेस है वो क्या बताता है, वो सुपरस्ट्रक्चर डिसाइड करता है, इकोनॉमिक बेस सुपरस्ट्रक्चर में क्या है पॉलिटी, लेकिन हमारा इकोनॉमिक बेस क्या है फ्यूडल है, लेकिन सुपरस्ट्रक्चर क्या है कैपिटलिज्म। जैसे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट वो लगाना चाहती है ताकि वो कैपिटलिस्ट को वो लैंड दे सके, ताकि लैंड बैंक्स बन सके और जिसपे नई इंडस्ट्री लग सके। लेकिन हमारे जहां पे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के। तो मतलब
जहां पे कैपिटलिज्म जो था यूरोप में वो कौन था, ऑन द रूइंस ऑफ फ्यूडलिज्म। लेकिन इंडिया में क्या है, जो कैपिटलिज्म है वो स्टेट इंट्रोड्यूस कर रही है थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम, और रिसेंटली कौन सा था, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, 10% ऑफ जीडीपी, और जिसमें इन्होंने 8 लाख करोड़ आरबीआई का भी कर लिया, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप देखोगे जो भी फेडरल बैंक इंट्रोड्यूस करती है, जो भी फेडरल बैंक का अपने रिफॉर्म्स मेजर लेती है, तो उसका पैसा कभी भी जो स्टेट का फिस्कल पैकेज होता है, जो गवर्नमेंट का फिस्कल पैकेज होता है, उसमें इंट्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जहां पे इन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज, ताकि एक लगे वाओ 10% ऑफ जीडीपी का इन्होंने पैकेज दिया, तो 8 लाख ये आरबीआई का था। तो इस पर काफी ऑब्जेक्शन हुई थी, काफी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कैपिटलिज्म। और लेकिन जहां पे एक ना चीज आप देखिए, पहले फ्यूडल इकोनॉमी और पीजेंट इकोनॉमी में फर्क है। हमारे जहां पे इंडिया में जो मेजोरिटी है वो पीजेंट इकोनॉमी है, क्योंकि जहां पे पीजेंट इकोनॉमी क्या होती है, एक छोटा सा जमीन का प्लॉट है, वो एक फादर ने अपने बच्चों को दे दिया, फिर वो बच्चों को दे दिया, ये पीजेंट इकोनॉमी है। और फ्यूडल इकोनॉमी क्या है, एक लैंडलॉर्ड की जमीन है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, और लोगों का बहुत थोड़ा सा पैसा उनको दे दिया, तो बाकी सारा फ्यूडल लॉर्ड के पास। तो हमारे जहां पे मेजोरिटी और पीजेंट इकोनॉमी है, तो कार्ल मार्क्स ने ये दोनों में भी डिफरेंशिएट नहीं किया, उसने एक जनरलाइज छोड़ी थी। तो इस तरह आप अगर देखोगे, मतलब कार्ल मार्क्स की ब्यूटी पता क्या है, अगर आप उसको क्रिटिसाइज करने जाओगे तो क्रिटिसाइज करते भी 2-3 दिन लगा दोगे, अगर आप उसको सिग्निफिकेंस रेलेवेंस दिखाने जाओगे तो रेलेवेंस के लिए भी है। इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि मैं एक 2 सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एक लेक्चर में कार्ल मार्क्स का पूरा क्रिटिसिज्म पिल लूंगा, और एक लेक्चर कार्ल मार्क्स की रेलेवेंस क्या है 21st सेंचुरी में। तो 21st सेंचुरी में कार्ल मार्क्स की रेलेवेंस क्या है, मैं उस पर भी एक लेक्चर लूंगा। और एक इसका क्रिटिसिज्म क्या था, रशिया में क्या हुआ, जहां पे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, फ्यूडलिज्म से क्या आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म से सोशलिज्म आएगा। लेकिन रशिया में जब रशियन रेवोल्यूशन हुई इन 1919 बाय द लेनिन, तो तब जहां पे सीधा फ्यूडलिज्म से क्या आया, सोशलिज्म आया। तो ये एक क्रिटिसिज्म ये कार्ल मार्क्स का ये भी है इस थ्योरी का। नेक्स्ट आया कैपिटलिज्म स्टेज इन ह्यूमन हिस्ट्री, द स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब मैंने बताया भी वहां पे जब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो काफी जो वो थे पीजेंट्स थे, तो वो कहाँ पे आगे, वो शहरों में आगे, और उसी टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो आप हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, आप ये आई बटन में देख सकते हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था, जब मशीनरी की इंट्रोड्यूस हुई तो कैपिटलिज्म आया, और कैपिटलिज्म से क्या 2 न्यू क्लासेस आई। तो कैपिटलिज्म का मेन कंसेप्ट क्या है, मैं बताता हूँ, सिंपल आप कंसेप्ट समझिए। जैसे ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन की क्या कीमत है, इसकी रॉ मटेरियल लगा हुआ कुछ 10 रुपए, उसके बाद इसकी पैकिंग के लिए सपोज करो 5 रुपए खर्चा आया, लेबर पे खर्चा आया 10 रुपए, और ये प्रॉफिट कितना हो गया, 30 का बिक रहा है, तो ये 30 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना है 5। अब देखिए ना, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो सकती है ना, पैकिंग की वैल्यू कम हो सकती है, तो वैल्यू कहां पे कम हो सकती है, लेबर की। तो इसलिए कैपिटलिज्म क्या करता है, लेबर को एक्सप्लॉयटेशन की कोशिश करता है। तो कैपिटलिज्म का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। मैंने आपको शायद कार्ल मार्क्स जब पहले लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक फोटो दिखाई थी जहां पर उन्होंने प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट COVID-19 एसेंशियल के उन्होंने स्टोर वो बना दिए थे, COVID-19 के एसेंशियल के स्टोर ना, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। तो वो प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट क्या है, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करेंगे। द स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज ए नेचुरल आउटकम ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन विद इन द फ्यूडल सिस्टम। द फ्यूडल ऑर्डर वाज मार्क्ड बाय ऑपरेशन ऑफ सर्व्स बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स। द टेंशन विद इन द सिस्टम लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्रीइंग लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम द फ्यूडल लैंड्स। तो वही मैंने बताया, टेंशन जो होती है तो फिर वो ब्रेकडाउन होता है और नया सिस्टम राइज होता है। द ग्रोइंग टाउन्स अब्सॉर्ब दीज पीपल, ए लेबर फोर्स थस बिकम अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मशीन्स, द बर्थ ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, द मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कंसोलिडेट द न्यू इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म। इट इज द स्टेज दैट विल जनरेट इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन टू। तो इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ आएंगे, जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो वो कैपिटलिस्ट को आगे क्या कर देंगे, रेवोल्यूशन कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये जब कार्ल मार्क्स का जो कैपिटलिज्म का पिलर था, ये क्या है, बी फीड ऑल, ये जो वर्कर्स हैं, ये क्या है, बी
ईट फॉर यू, जो जो वो हैं, कौन कहते हैं बुर्जुआस, ये कौन है आर्मी के मैन जो उनको करेंगे भी शूट करेंगे अगर कोई भी प्रोटेस्ट करने लगा। और जे हम जहाँ पे रिलीजन है जो उनको बेवकूफ बना रहा है, कह रहा है बेटा अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे ये पिछले जन्म को कर्म है, ना कि आपको कोई कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो गवर्नमेंट है रूल कर रही है और ऊपर क्या है प्रॉफिट है। अब ये देखिए पिलर बना सकते हो आप कैपिटलिज्म इन 19th सेंचुरी और कैपिटलिज्म 21st सेंचुरी में क्या है। ये देखिए वर्कर्स हैं, कोई ऊबर में काम कर रहा है, कोई अमेजोन में काम कर रहा है, और अभी जो कैपिटलिस्ट है वो कौन है, ऊबर, एप्पल, अमेजोन, गूगल, वॉल स्ट्रीट, ये सब क्या है कैपिटलिस्ट है। और उनको कौन कर रहा है, जो पुलिस, मॉडर्न पुलिस। और बेवकूफ कौन बना रहा है, उस टाइम कौन बना रहा था, रिलीजन बना रहा था, आज के टाइम पर मीडिया और सोशल मीडिया। और रूल कौन कर रहा है, और इस तरह मतलब देखिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी आज भी रेलेवेंट। तो ये पिलर आप बना सकते हो, ऐसे पिलर बनाओ जहाँ पे लिखो न्यू चैनल जे वो, तो इसको लिख सकते हो द पिरामिड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो 19th सेंचुरी में था और जो 21st सेंचुरी में। तो कैपिटलिज्म में क्या है, जो मेन फीचर्स क्या है, ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स, प्रोडक्शन फॉर द सेल रादर देन फॉर सेल्फ यूज। अब ऐसे कोई वर्कर अगर BMW के शोरूम में काम कर रहा है तो वैसे थोड़ी वो BMW खुद चला लेगा सेल के लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट वेयर लेबर पावर इज बॉट एंड सोल्ड, सिंपल एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू मनी। जहां पे एक ना कंसेप्ट आता है एजर्ट आर्मी ऑफ लेबर, तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है भी जहां पे इतनी ज्यादा लेबर है, एजर्ट आर्मी ऑफ लेबर, तो मतलब जहां पे क्या हो रहा है, मतलब लेबर अगर एक बंदा जा रहा है तो उसको कहेगा, अगर एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो कहेगा ठीक है आप चले जाओ हम और बंदे रख लेंगे। तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर एक कंसेप्ट है, तो इस पर एक बार आप रिसर्च कर लीजिएगा रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर क्या है। तो यही आपके जो कीवर्ड्स हैं यही आप पेपर टू में यूज करोगे। एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू मनी, द कैपिटलिस्ट कंट्रोल द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कैपिटलिस्ट है वो प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल करेंगे। जैसे कि अभी क्या चीज बनेगी वो सारे कौन करते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रोल करते हैं। कैपिटलिस्ट कंट्रोल फाइनेंशियल डिसीजन, कंपटीशन है तो ये कैपिटलिज्म है। लेकिन कैपिटलिज्म में भी जब एलिनेशन की थ्योरी पढ़ेंगे और जब क्लास एंड सोसाइटी देखेंगे तो हम देखेंगे भी जब क्लास इन इन सेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, जो भी क्लास कॉन्शियसनेस, जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट होगी, वो चीजें क्या है, वो सब मैं जब क्लास एंड सोसाइटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तब उसमें देखेंगे फिर कैसे रेवोल्यूशन होगी। और एलिनेशन की थ्योरी में भी देखेंगे भी हम कैसे जहाँ पे जो मॉडर्न जहाँ पे है मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म उसमें कैसे एलिनेशन होती है और उस थ्योरी की रेलेवेंस क्या है। तो नेक्स्ट है सोशलिज्म, जब जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होगी, जब जहाँ पे एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वर्कर्स क्या कर देंगे, यूनाइट हो जाएंगे और रेवोल्यूशन कर देंगे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट। द राइज ऑफ सोशलिज्म, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कंट्रोल करेगा, स्टेट कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मींस ऑफ प्रोडक्शन। और जब ये आगे चला जाएगा उसको क्या कहेंगे, कम्युनिज्म, जहां पे स्टेट नहीं होगी, जहां पे सभी लोग अपना वो करेंगे, मतलब सभी लोग सभी मींस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन करेंगे। तो सोशलिज्म, तो कम्युनिज्म, मार्क्स डिस्कस द कम्युनिज्म एज ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। ही रॉट दैट कम्युनिज्म इज द पॉजिटिव एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, ह्यूमन सेल्फ एलिनेशन एंड थस द रियल एप्रोप्रिएशन ऑफ ह्यूमन नेचर थ्रू एंड फॉर मैन। ही कंक्लूडेड दैट अ ट्रांजिटरी स्टेज ऑफ प्रोलेटेरियन डेमोक्रेसी मस्ट नॉर्मली एंड इनएविटेबली कल्मिनेट इन द कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म की फीचर्स क्या हैं, इन कम्युनिस्ट सोसाइटी वेयर नोबडी हैज एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ सोसाइटी बट ईच कैन बिकम एक्सप्लिसिट इन एनी ब्रांच ही विशेज। सोसाइटी रेगुलेट्स the general production and thus making it possible for me to do one thing today tomorrow। मतलब जहाँ पे कुछ भी कोई कर सकता है, जिसकी जितनी टैलेंट है, जितना जिसकी नीड है उतना ज़्यादा उसको जो भी मिलता रहेगा, जहाँ पे everybody जो earning everyone। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप देखोगे जो कम्युनिज्म सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कलेप्स हो चुका है, क्योंकि कोई भी ट्रू कम्युनिज्म नहीं है, क्योंकि जो भी सोशलिस्ट आता था, क्योंकि पावर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता अपने हाथ से, भले वो जोसेफ स्टालिन हो, भले वो जहाँ पे माओ था। लेकिन कम्युनिज्म एज ए इकोनॉमिक जो मोड मींस था, जो इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, वो तो फेल होगी,
लेकिन जो कि एक फिलोसफी थी कम्युनिज्म एज ए फिलोसफी, सिंपल फिलोसफी मतलब कलेक्टिविटी, वो आज भी रेलिवेंट है व्हेन वी आर कलेक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये भी आप कई बार पूछ लेते हैं कम्युनिज्म आज के टाइम में रेलिवेंट है कि नहीं, भले ही वो जो कलेक्टिव फिलोसफी है वो क्या हो गई है, वो फेल हो गई, लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर फेल होगी, लेकिन जो कलेक्टिव वो है मतलब कलेक्टिव कलेक्टिवाइजेशन या कलेक्टिविटी अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, वो आज भी कम्युनिज्म एज ए फिलोसफी रेलिवेंट है। तो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने एक बनाया है छोटा डिफरेंस। फिलोसफी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज अवेलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स फ्री एक्सेस टू आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन इज मेड पॉसिबल बाई एडवांस इन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर सुपर अबंडेंस। तो लेकिन हमारे इंडिया में भी जहाँ पे है ऐसे है भी, ऐसा नहीं है जैसे अभी फूड सिक्योरिटी, हमारे पास खाना बहुत है लेकिन वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखोगे, आप फूड का इंडेक्स देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, तो वो चीज़ है भी अवेयरनेस तो हमारे भी जहाँ पे है भी, क्वान्टिटी में सब कुछ है हमारे जहाँ पे, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन कम्युनिज्म में ऐसा नहीं। सोशलिज्म में क्या है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्फेसिस ऑन प्रॉफिट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सोसाइटी और वर्कर्स टू कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल वेजेस एंड सैलरीज। तो सोशलिज्म की एलिमेंट्स, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, प्लान्ड इकॉनमी, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट, कॉमन ऑनरशिप ऑफ द टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स एंड ऑल पीपल, इंटरनेशनल फोकस, यूजली एंटी डेमोक्रेटिक विद वन पार्टी। ये की एलिमेंट्स हैं कम्युनिज्म के। सोशलिज्म के क्या है, कैलकुलेशन इन काइंड, कलेक्टिव ऑनरशिप, कोऑपरेटिव कॉमन ऑनरशिप, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इनपुट आउटपुट मोड, इंटरनेशनलिज्म, लेबर वाउचर, मटेरियल बैलेंस। तो ये देखिए कम्युनिज्म और सोशलिज्म, सिंपल याद है कि सोशलिज्म में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी फैक्टर्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट, स्टेट। कम्युनिज्म में कौन करता है, स्टेटलेस प्रॉपर्टी वो होती है सोसाइटी जहाँ पे सभी लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब सभी लोग ऑन करते हैं, सिंपल ये डिफरेंस है। कम्युनिस्ट सोसाइटी जो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी गवर्न डायरेक्टली बाय द पीपल, दिस हाउएवर हैज नेवर बीन अचीव इन प्रैक्टिस, दे हैव बीन टोटलिटेरियन इन नेचर विद ए सेंट्रल पार्टी गवर्निंग सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट में क्या था, स्टेटलेस है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस क्या है, वो सारी वो डिक्टेटरशिप बन जाती है। जैसे कि देखिए चाइना में जब टियानमेन स्क्वायर के प्रोटेस्ट किए, चाइना वाले लोगों ने कहा हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो जहाँ पे आर्मी ने टैंक लगा दिया चाइना गवर्नमेंट। आज के टाइम में अगर आप लोगों से पूछोगे डेमोक्रेसी चाहिए, वो कहेंगे नहीं चाहिए हमें। और ये देखिए जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स हैं उनके री एजुकेशन कैंप्स हो रहे हैं चाइना में। और ये देखिए ये जो सबसे बड़ा हिपोक्रेट जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, हिपोक्रेसी मतलब ये कह रहे हैं भी हम जो पाकिस्तान है वो सारे जो वर्ल्ड के मुस्लिम्स की मिजरी का वो क्या है वो देखेगा, लेकिन चाइना को वो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तो इसने जाके चूड़ियाँ तोड़ी अपनी वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, जबकि हम उनकी बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए दिस इज द इंडियन आर्मी फॉर अस, वी पेल्ट स्टोन ऑन देम, वी सेलिब्रेट ऑन देयर डेथ, टिल टुडे दे केयर अबाउट अस, वेयर इज हुडिया टुडे। तो अब कश्मीरी यूथ को भी पता चला है जिनके इंडियन आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे जो पीओके एरिया है वहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी कितनी एट्रोसिटी करती है, लेकिन इंडियन आर्मी जो कश्मीर के लोग हैं उनकी बहुत हेल्प करती है, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, मच्योर एंड लिबरल डेमोक्रेसी। ये देखिए फ्लड्स हो, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, तो हम बहुत अच्छे से भी, हम ऐसा कोई एक्ट्रोसिटी नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल जहाँ पे जो इमरान खान बोल रहा है, लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में एक्ट्रोसिटी जो होती है वहाँ पे नहीं बोला। तो वही बात है, बाप ना तो ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि चाइना इनको पाकिस्तान को पैसा दे रहा है थ्रू CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें $55 बिलियन जो उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये हिपोक्रेसी है एक तरह की हमारे वर्ल्ड। तो सोशलिज्म में क्या है, कैन को एग्जिस्ट विद डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, मोस्ट सोशलिस्ट एडवोकेट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सम एडवोकेट सोशल डेमोक्रेट एडवोकेट पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, एंड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एडवोकेट डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। और अगर आप देखोगे सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म काफ़ी
ज्यादा फेमस है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, कनाडा में जहाँ पे वो रिच को टैक्स लगाते हैं और सभी को क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन जो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आइडियाज क्या है कम्युनिज्म में, ऑल पीपल आर द सेम एंड देयरफॉर क्लासेस मेक नो सेंस, द गवर्नमेंट शुड ऑन ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड आल्सो एवरीथिंग एल्स, पीपल शुड वर्क फॉर द गवर्नमेंट एंड कलेक्टिव आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऑल इंडिविजुअल्स शुड हैव एक्सेस टू बेसिक आर्टिकल्स ऑफ कंजम्पशन एंड पब्लिक गुड्स थ्रू लॉ फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर कलेक्टिव एफर्ट्स एंड थस द रिटर्न्स फ्रॉम दीज इंडस्ट्री मस्ट बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल, प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड, द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज नेगेटेड एंड रिप्लेस विद द कंसेप्ट ऑफ कॉमन एंड ऑनरशिप विद द यूजरशिप, कॉमन ऑनरशिप, टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी सच एज हाउसेज क्लोथिंग एक्सेट्रा ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूड फैक्ट्रीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड बाय स्टेट बट विद वर्क कंट्रोल। सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, all class distinction are eliminated, a society in which everyone is both the owners and means of production and their own employees, class distinction are diminished, so status derived from the political distinction then class distinction and some mobility, so jahan pe jo wo the bureaucrats the wo jahan pe kya ban gaye main powerful ban gaye jinko bolte bolshevik jaise ki russian bolte the, lekin jahan pe aisa koi class nahi hai lekin jahan pe kya hai political class। तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में डिफरेंस है। और इसी तरह जो कम्युनिज्म की वो थी आप देखोगे जहाँ पे जो एक बड़ा ही स्टारिक मतलब एक सरकास्टिक वो था नॉवल था, ये आप इसकी समरी देख लीजिएगा एक छोटी सी, जॉर्ज ऑरवेल का, जिसने सोशलिज्म को दिखाया था भी कैसे एक्सप्लोर करता है इसको, एक्चुअली रशिया में जो जोसेफ स्टालिन पे बनाया गया था, एक बार आप देख लीजिएगा एनिमल फार्म। तो इसी तरह जो सोशलिज्म के काफी वेरिएंट्स आए, कम्युनिज्म के काफी वेरिएंट्स आए, जो मार्क्स ने कम्युनिज्म कहा था वो कभी प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो उसके वेरिएंट क्या थे, स्टालिनिज्म, लेनिनिज्म, ट्रॉट्स्कॉयिज्म, एंड माओइज्म। तो ये काफी चार डिफरेंट आए, तो ये इंटरनेट पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो इसका मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का क्रिटिसिज्म है, अब मैं क्या करूंगा एक लेक्चर लूंगा एक जिसमें मार्क्स के पूरे क्रिटिसिज्म हम लिखेंगे, ताकि आपको क्रिटिसिज्म काफी आपके पॉइंट दिमाग में हो और आप कहीं भी कोई भी थ्योरी आए मार्क्स की अप्लाई कर सको। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं क्लास। तो थैंक यू क्लास, अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, एंड अगर जो कोई डाउट edugurukul93@gmail.com पे भेज सकते हो, मैं डाउट सीरीज में आपके डाउट्स को उठाऊंगा, कोई भी यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के रिलेटेड डाउट्स हैं तो उस पर आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप जहाँ पे मैंने देखा है अभी जब वीडियो को लाइक आते हैं या कमेंट्स आते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है भी, हाँ जी भी स्टूडेंट्स आपसे एक होप कर रहे हैं तो आपको उनको होप को उनकी होप्स पे खड़े उतरना है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू क्लास।